नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। आज हम जानेंगे मंदसौर ज़िले में मौजूद 26 पर्यटन स्थलों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में भी लाते रहेंगे। नंबर एक, पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर मंदसौर ज़िले का प्रमुख आकर्षण है। संभवतः पूरे विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में 7.5 ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। 2.5 × 3.20 मीटर आकार की इस प्रतिमा का वजन 46 क्विंटल 65 किलो है। यह किसी अज्ञात कलाकार की बनाई हुई अनुपम कृति है, जो कि सदियों पूर्व शिवना नदी की गोद में समाहित हो गई थी। शिव के 8 रूप पशुपति, महादेव, ईशान, रुद्र, शर्व, उग्र, आड़शन का मुख कणों में सुंदर आलेखन है। नंबर दो, गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर बना यह बांध जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव डाली थी। इस बांध और यहाँ के पावर स्टेशन को बनवाने की कुल लागत 18 करोड़ 40 लाख थी। यहाँ के पावर स्टेशन में 23 मेगावाट के 5 टरबाइन हैं और इनकी कुल क्षमता 115 मेगावाट है। नंबर तीन, चतुर्भुज नाला। इस स्थान को चट्टानों पर की गई चित्रकारी के लिए जाना जाता है। इसकी खोज सन 1973 में की गई थी। यह स्थान मंदसौर जिले की भानप्रा तहसील से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कार्बन पद्धति के आधार पर यह चित्रकारी 35,000 साल से भी पुरानी है। नंबर चार, नालसा माता मंदिर। मंदसौर शहर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम नालसा में स्थित नालसा माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि मां नालसा दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। प्राचीन मान्यता के अनुसार राजा दशरथ के राज्य अयोध्या का यह अंतिम पड़ाव था। पास में बहने वाले नाले के बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ ने यहाँ श्रवण कुमार का वध किया था। नवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। यह स्थान भी मंदसौर जिले का एक पर्यटन स्थल है। नंबर पाँच, दूधाखेड़ी माता जी। यह मंदिर मंदसौर जिले की भानप्रा तहसील से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर दूधाखेड़ी माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर पोलियो और लकवे जैसी बीमारी मंदिर में हुए हवन की भस्म लगाने से ठीक हो जाती है। यह मंदिर लोगों की आस्था का अटूट केंद्र है। नंबर छः, श्री वही तीर्थ। वही स्थित तीर्थ स्थल की स्थापना राजा संप्रति ने की थी। यहाँ भगवान वही की पार्श्वनाथ की काले रंग की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में स्थापित है। यह स्थान मंदसौर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर सात, माकड़ी माता मंदिर। माकड़ी माता मंदिर श्रद्धालु की आस्था का अटूट केंद्र है। यह स्थान मंदसौर जिले के शामगढ़ कस्बे के पास स्थित है। नंबर आठ, खेड़ा बालाजी मंदिर। यह मंदिर बालाजी महाराज का अति प्राचीन मंदिर है, जो कि मंदसौर नगर में स्थित है। श्रद्धालुओं की आस्था का अटूट केंद्र है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नंबर नौ, पोला डूंगर। यह स्थान बौद्ध गुफाओं, स्तूपों, हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान 7वीं-8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह स्थान मंदसौर के गरोड़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अत्यंत रमणीय है। नंबर 10, चामुंडा माता मंदिर। यह स्थान ग्रामीणों की श्रद्धा का केंद्र है। नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। यह स्थान शामगढ़ कस्बे से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 11, परासली। परासली एक छोटा सा कस्बा है, जो देव विमान सम जिनालय में विराजमान श्री आदिनाथ भगवान एवं 23 अन्य प्रतिमा स्थापित होने के कारण जाना जाता है। यह दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान शामगढ़ कस्बे से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 12, छत्री गरोट। श्री यशवंत राव कोठरी की छत्री स्थित है। इसके अलावा प्राचीन मंदिर, बावड़ी, पंचवन, गौशाला आदि रमणीय स्थल भी यहां देखे जा सकते हैं।
यह स्थान गरोड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 13, कालेश्वर मंदिर। यह स्थान प्राचीन कालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सांप के काटने का जहर उतारने तथा शादियों के लिए पाती लग्न देने के लिए यह स्थान जाना जाता है। उक्त मंदिर का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में करवाया गया था। नंबर 14, शंखोद्वार। चंबल नदी के तट पर स्थित यह स्थान पूर्वजों के तर्पण के लिए जाना जाता है। नवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। नंबर 15, भानपुरा। यह स्थान मंदसौर से 127 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर कई प्राचीन मंदिर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यशवंत राव होलकर की छतरी भी यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ स्थित संग्रहालय मुख्य दर्शनीय स्थल है। नंबर 16, अम्बे माता मंदिर। यह स्थान पहाड़ी पर स्थित होने के कारण अच्छा पर्यटन स्थल है। इस स्थान पर अम्बे माता का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। नंबर 17, धर्मराजेश्वर। यह स्थान मंदसौर से 106 किलोमीटर दूर सीतामाऊ तहसील में स्थित है। धर्मराजेश्वर स्थित गुफा में पलहा पहाड़ को काटकर शिव मंदिर बनाया गया था। पहाड़ काटकर बौद्ध गुफाएं, चैत्य विहार एवं बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई थी। भीमबेटका एवं गुफा में स्थित स्तूप भी दर्शनीय है। गुफा में स्थित मंदिर को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। नंबर 18, बंदी जी का बाग। यह स्थान 120 साल पुराने जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पर मुख्य बस स्टेशन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। 19, मंदसौर का किला। मंदसौर स्थित इस किले का निर्माण मिराज ए सिकंदरी पुस्तक में मिले उल्लेख के हिसाब से 1500 ईस्वी में मांडव के सुल्तान हुशंग शाह गोरी ने बनवाया था। इस किले में 12 दरवाजे हैं जो इस किले की शान को आज भी कायम रखे हैं। यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। नंबर 20, हिंगलाजगढ़ किला। यह किला चंद्रावतों की 13 हवेलियों में से एक है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस किले में हिंगलाज माता का मंदिर भी स्थापित है। किले में स्थित बावड़ी व 12 महीने जल से परिपूर्ण रहती है। बावड़ी के करीब बनी इमारतें ऐतिहासिक और पौराणिक है। नंबर 21, ताकेश्वर धाम या ताकाजी। गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में ताकाजी मंदिर स्थापित है। बताया जाता है कि ताकाजी मंदिर क्षेत्र में ही आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को नाग के राजा तक्षक ने डसा था। इस कारण इस स्थान को ताकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा झरने और प्राकृतिक वातावरण लोगों को लुभाता है। इस स्थान पर कई बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। मुख्य प्रतिमा धन्वंतरी और राजा तक्षक की स्थापित है। नंबर 22, गांधी सागर अभ्यारण्य। चंबल नदी के किनारे स्थित यह अभ्यारण्य मंदसौर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य मगरमच्छ, गिद्ध, चिंकारा, नीलगाय, मोर, इंडियन लेपर्ड, सियार, इंडियन वाइल्ड डॉग आदि कई वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अभ्यारण्य के अंदर कई ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान देखे जा। नंबर 23, सोंधनी स्तंभ। मंदसौर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्तंभ यशोद वर्मन की हूणों पर हुई जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यह स्थान इतिहास की दृष्टि से परिपूर्ण है और प्रमुख दार्शनिक स्थल है। नंबर 24, तेलिया तालाब। मंदसौर स्थित यह स्थान पर्यटन का अद्भुत स्थल है। इस स्थान पर कई प्रवासी पक्षियों का आगमन सर्दियों में होता है। यह स्थान पिकनिक मनाने के लिए अच्छा स्थान माना जाता है। नंबर 25, चारभुजानाथ मंदिर। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला पर विराजमान है। 8वीं-10वीं शताब्दी में बनवाया गया यह मंदिर, इसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। नंबर 26, श्री बालाजी मंदिर या तलियों वाले बालाजी। यह स्थान मंदसौर में स्थित है। एक पेड़ के नीचे मिली बालाजी की प्रतिमा, जो कि एक तालाब के तलैया के पास स्थापित था, इसलिए इसे तलियों वाले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदसौर का प्रमुख प्राचीन स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे मंदसौर जिले के 26 पर्यटन स्थल। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें
और लाइक कर दें। धन्यवाद।